देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी भी किसान हैं। ये देखिए उनकी वेबसाइट, सरकार की वेबसाइट कहती है किसान है। तो साहब योगेंद्र यादव पे आप सवाल पूछते हैं। नमस्कार, कई दिन से फेसबुक लाइव पे आपसे बातचीत नहीं हुई। ये पूरा फरवरी का महीना अस्पताल और उसके बाद बैठकें और महापंचायत, इसमें ऐसा बीता कि आपसे संवाद करने का बहुत कम अवसर मिला। पिछले कुछ दिनों से महापंचायतों में जा रहा हूँ, राके इतना थक जाता हूँ कि हिम्मत नहीं रहती ऐसी बातचीत करने की। लेकिन आज एक विशेष बात करना चाहता हूं, क्योंकि कल एक इंटरव्यू हुआ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का, जिनका वैसे दूसरा नाम अजय बिष्ट भी है। इंटरव्यू में उन्होंने कई बातें कही, कई छोटे बड़े झूठ बोले, बाकी बाकी पार्टियों के जिम्मे हैं। मैं तो सिर्फ दो बातों पे फोकस करना चाहता हूं। इंटरव्यू में उन्होंने मेरा नाम लेके फिर एक बार पूछा, वो जो बीजेपी के ट्रोल पूछते हैं, इनके मंत्री पूछते हैं, अब मुख्यमंत्री के लेवल पे मामला आ गया है, कि ये योगेंद्र यादव किसान कब से हैं, इनका किसानी से कहां से लेना देना है, दूर दराज का लेना देना नहीं। और दूसरी बात, वो हल्के हाथ से सरका गए कि हमारे उत्तर प्रदेश में तो हमने किसान को एमएसपी से ज्यादा रेट दिलवाया है मक्का का। एमएसपी तो सिर्फ 1800 और हमने दिलवाया है 2200। दोनों तथ्यों की हम जरा जांच कर रहे हैं। माफ कीजिएगा अपने सवाल पे फोकस करने का, लेकिन ये किस सवाल सिर्फ मेरा नहीं है कि मैं किसान हूं या नहीं, ये किसान आंदोलन को बदनाम करने की पहले दिन से इनकी रणनीति रही है। जब कोई सवाल का जवाब ना हो तो व्यक्तिगत आरोप सुना दो। और सुनते सुनते ऐसे कान पक गए, दो तीन बार मैंने जवाब भी दिया कि आपसे कहिए साहब खसरा खतौनी दिखा दूं। मैंने कहा आप जरा दिखा ही दिया जाए। तो पहले सुनिए योगी आदित्यनाथ जी मेरे बारे में क्या कहते हैं। ये इंटरव्यू है आज तक पे जो उन्होंने माननीय पत्रकार प्रभु चावला जी को दिया है, लीडर उत्तर साहब, क्या प्रदेश के कोई किसान है? मुख्यमंत्री। क्या टकर साहब योगेंद्र, है ना, क्या राकेश, राकेश, योगेंद्र यादव किसान है? राकेश टकर, हनान मुल्ला किसान है? मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये किसान है? खेती किसानी से इनका दूर दूर का संबंध नहीं। दूर दूर का संबंध नहीं है। तो साहब मैंने सोचा डॉक्यूमेंट आपको दिखाए। साहब ये वो खरीद का दस्तावेज है। ये प्रॉपर्टी मैंने अपने गांव में 2 किला जमीन, आज नहीं कोई किसान आंदोलन में दिखाने के लिए नहीं, सन 2002 में 20 साल पहले जो 2 किला जमीन खरीदी थी, ये उसका दस्तावेज है। खसरा खतौनी नंबर में इंटरेस्ट हो तो जरा खसरा खतौनी नंबर भी बता देता हूं। ये साहब खेवट नंबर 122, खतौनी नंबर 135 भी है, और खतौनी नंबर खसरा नंबर 157 भी है। 2 किले हैं, पूरी डिटेल है। और अगर आप मेरा नाम देखना चाहें तो भाई नाम भी है। ये खट्टर जी आपके मित्र होंगे ना, योगी आदित्यनाथ जी, जरा चेक करवा लेना है। झूठ हो तो जरूर पर्दाफाश कर देना इस झूठ का। इसके अलावा साहब 2 किले पुश्तैनी जमीन भी है। किला मतलब एकड़, हमारे यहाँ किला और एकड़ बराबर होता है। गांव सहारनवास, जिला रेवाड़ी, 2 किलो पुश्तैनी जमीन भी है। ये उसकी पुराना कोई 1947 का दस्तावेज है। मुझे तो पढ़ना नहीं आता भाई उर्दू, लेकिन पढ़ने वाले बताते हैं कि पिताजी और ताऊ जी के नाम ये 4 किले जमीन है, जिसमें से 2 किले जमीन पिताजी के नाम। अब मैं जानता हूं क्या कहेंगे। वो कहेंगे भाई जमीन होने से आप किसान थोड़े ही हो जाते हो, किसान तो वो है जो अपने हाथ से हल चलाए। एक बात पूछूं, आप जरा राजनाथ जी को सुनिए। राजनाथ जी देश के माननीय रक्षा मंत्री अपने आप को किसान घोषित कर रहे हैं, जरा सुनिए तो। हमारे किसान धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन दे रहे हैं। सचमुच केवल किसान होने के नाते मुझे ही पीड़ा नहीं है, मैंने देखा है हमारे प्रधानमंत्री जी को भी इसकी गहरी पीड़ा है। किसान होने के नाते राजनाथ जी एक बार नहीं, हमेशा बोलते हैं मैं किसान। उनका जो एफिडेविट है उन्होंने लोकसभा चुनाव के वक्त दिया, वो भी बताता है कि उनकी आय का मुख्य स्रोत किसानी है। तो राजनाथ जी किसान हैं, योगी आदित्यनाथ जी थोड़ा इसकी जांच करवाएंगे, वो किसान है क्या? मैंने देखा नहीं राजनाथ जी कहीं लोकसभा में छुट्टी लेके जाते हो कि मेरे को हल चलाने जाना है, मुझे ट्रैक्टर चलाने जाना है। ये राजनाथ सिंह जी का एफिडेविट है।
यहीं पे मामला नहीं रुकता, ये संसद में 209 जी, लोकसभा के 209 सांसद अपने आप को किसान घोषित करते हैं, वो भी झूठ बोलते होंगे ना योगी जी। और पता है उसमें से 143 बीजेपी के हैं, 143 बीजेपी के सांसद हैं। उसके हिसाब से तो मार्च अप्रैल के महीने में संसद खाली हो जानी चाहिए, बेचारे वहां पे कटाई करते होंगे अपने अपने खेत के अंदर जाके। नहीं, और देख लीजिए, देश के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी भी किसान है साहब, ये मैं नहीं कहता, ये उनके वेबसाइट पे, सरकार की वेबसाइट पे लिखा हुआ है, नरेंद्र तोमर जी किसान हैं। वो कब हल जोतने जाते हैं जी, कब ट्रैक्टर चलाते हैं, आपकी परिभाषा के हिसाब से। मामला यही नहीं रुकता, आपके लिए एक रहस्योद्घाटन कर दूं, क्योंकि हो सकता है राजनाथ जी के बारे में आप कुछ ऊटपटांग बात बोल भी दें, नरेंद्र तोमर जी के बारे में बोलते आपका क्या जाता है। आपको बताऊं, इस देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी भी किसान है, ये देखिए उनकी वेबसाइट, सरकार की वेबसाइट कहती है किसान है। तो साहब योगेंद्र यादव पे आप सवाल पूछते हैं, ये सब लोग, बाकी लोग भी झूठ बोलते होंगे ना, या अब आपकी बोलती बंद हो जाएगी? खैर, इस सस्ती बातों को छोड़िए, गंभीर बात कीजिए। मान लीजिए मेरे पास जमीन ना होती, मान लीजिए इस परिभाषा से मैं किसान ना होता, तो पिछले 6 साल से किसान आंदोलन में जो लगातार काम किया है, उसका कोई मायने है कि नहीं है? आपकी परिभाषा के हिसाब से तो स्वामी सहजानंद सरस्वती किसान नहीं थे, इस देश के, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े किसान नेताओं में से जो थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, योगी जी। आपकी परिभाषा के हिसाब से तो आप सरदार पटेल से, बारदोली आंदोलन के महान किसान नेता सरदार पटेल से आप पूछते कि अरे वकालत करते हो, खुद अपने हाथ से हल थोड़ी चलाते हो, तुम किसान नहीं हो? और आपके हिसाब से तो चंपारण उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है जी, उत्तर प्रदेश चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में है, चंपारण बिहार में है। चंपारण के उस महान आंदोलन के नेता मोहनदास करमचंद गांधी तो विलायत से आए हुए वकील थे, आपके हत्थे नहीं चढ़े, बच गए बेचारे। योगी जी, मैं तो आपको योगी कह रहा हूं, मैं पूछ नहीं रहा किसने आपको योगी बनाया, लेकिन एक बात बताइए, क्या किसान आंदोलन के बारे में अब और कोई प्रश्न आपके पास नहीं बचे हैं कि आप इस तरह के सस्ते झूठ पे उतर आए हो? ये दो कौड़ी के ट्रोल तो ये सब काम किया करते थे, अब बीजेपी का फ्रंट नेतृत्व भी ये काम करने लगा है, आईटी सेल तो किया करता था, अब आप भी इस तक के ऊपर आ गए हैं, मतलब आपके पास कोई तर्क नहीं बचा है। दूसरा झूठ जो योगी आदित्यनाथ जी बोल गए, वो बोल गए साहब एमएसपी के सवाल पर। जरा सुनिए, मक्का की एमएसपी पे उनका दावा क्या है। साल मकई का दाम समर्थन मूल्य 1800 था, लेकिन मार्केट में उसके दाम किसानों को मिले हैं 2200 रुपये। सुना आपने, एमएसपी था 1800 और मार्केट में मिला 2200। अब किस वर्ष की बात कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बीच में बोलते हैं 2018, कभी कभी लगता है आज की बात कर रहे हैं, हम दोनों साल की जांच कर लेते हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी एक बात शायद नहीं जानते कि भारत सरकार की एक वेबसाइट है जिसका नाम है एग मार्क नेट, भारत सरकार की है, हमारी नहीं, कोई प्राइवेट संस्था की नहीं है, वो वेबसाइट हर महीने हर फसल का, हर महीने नहीं, हर मंडी में हर दिन हर फसल किस दाम पे बिकती है उसका रिकॉर्ड रखती है। कितने अफसोस की बात है, उनका झूठ जाहिर करने का कितना सरल तरीका है। तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अगर कह रहे हैं 2018 की बात, तो अब मैं ऑफिशियल भारत सरकार की वेबसाइट से बोल रहा हूं, उनका दावा क्या है कि उस समय था एमएसपी था 1800, एक्चुअली एमएसपी उस साल 1800 था नहीं, सन 2018-19 में एमएसपी 1700 रुपए था, खैर कोई बात नहीं। वो कहते हैं 2200 में बिका साहब उत्तर प्रदेश के अंदर, मेरे तो कान खड़े हो गए, भाई इतनी बड़ी क्रांति देश में हो गई हमें पता ही नहीं लगा। अब मैं आपको बताता हूं, एग मार्क नेट भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट के हिसाब से क्या रेट मिला किसान को।
18 में उत्तर प्रदेश का मॉडल प्राइस ये था 1326 रुपया, नवंबर 18 में 1412 रुपया, दिसंबर 18 में 1581 रुपया, जनवरी में 1672, फरवरी में जब तक खत्म हो जाती है फसल 1860 रुपया। एक बार भी 2200 का आंकड़ा कहां से ले आए हुजूर? सोचा सस्ते में झूठ लगा देंगे। वो पत्रकार महोदय भी शायद जानते नहीं होंगे, सवाल पूछना भूल गए। उम्मीद है आज तक इसके बारे में स्टोरी करेगा और ये सवाल पूछेगा, मुझे आप भारत सरकार के आंकड़ों में उत्तर प्रदेश का एक महीना दिखा दीजिए जब किसान को 2200 मिला। चलिए हो सकता है उस साल की नहीं, इस साल की बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं, इस साल का भी देख लेते हैं। 3 साल पहले आपने 2200 दिलवाए नहीं दिलवाए वो तो कोई बात नहीं, भैया आज दिलवा रहे हो क्या? इस साल के आंकड़े और आपको मैं दिखा देता हूं। इस साल फसल में उत्तर प्रदेश में इस वर्ष मक्का की फसल, जबकि अब उसका एमएसपी हो गया है 1850 रुपया, इस साल के आंकड़े और देख लीजिए। इस साल अक्टूबर 20 में ये फसल गई 1225 रुपए में, औसत पूरे उत्तर प्रदेश की तमाम मंडियों का औसत जो भारत सरकार ने खुद निकाला है, हमने नहीं निकाला। नवंबर के महीने में 1539 रुपया, दिसंबर के महीने में 1708, जनवरी के महीने में 1675 और फरवरी में गिर के फिर 1425। आखिरी कॉलम में दिखाया एमएसपी से कितने प्रतिशत कम चल रहा है आज की तारीख में। ये भारत सरकार के ऑफिशियल आंकड़े हैं। तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी इतना बड़ा झूठ पूरे देश के सामने बोल गए। माना कि सरकार झूठ पे चलती है, माना कि प्रधानमंत्री इससे भी बड़ा झूठ बोल जाते हैं, लेकिन ऐसा झूठ तो मत बोलिए जो सरकारी आंकड़े के हिसाब से पकड़ा जाए। अफसोस इस बात का है कि किसान आंदोलन को लेके बार बार ये सरकार झूठ बोलती है। प्रधानमंत्री से लेके नीचे तक इनके दो कौड़ी के ट्रोल झूठ बोलते हैं, इनका आईटी सेल झूठ बोलता है, इनके नेता झूठ बोलते हैं और अब तो इनके शीर्ष नेता भी इस किस्म के झूठ पर उतर आए। लेकिन कहते हैं झूठ के पांव नहीं होते, किसान आंदोलन एक एक करके इनके झूठ का पर्दाफाश करेगा। जितना आज किया है आगे और करेंगे। और चुनौती दे दूं आदित्यनाथ जी, आइए समय निकालिए, खुल के बहस कीजिए इस पे और इससे जुड़े हुए तमाम चीजों पे, और आने वाले 1-1.5 महीना बाजार में फसल आनी शुरू हो जाएगी और किसान आंदोलन इस बार आपके एमएसपी का भंडाफोड़ करेगा। ये जो प्रधानमंत्री कहते हैं ना, एमएसपी थी है रहेगी, हम इस बार मंडी मंडी जाके देखेंगे कि क्या किसान को वास्तव में जो एमएसपी आप घोषित करते हैं वो मिलेगी। तो इस भंडाफोड़ अभियान का इंतजार कीजिएगा। मैं भी कोशिश करूंगा आपसे ज्यादा नियमित रूप से फेसबुक पे बात कर सकूं। किसान आंदोलन की दशा और दिशा को लेके कई सवाल रोज पूछे जाते हैं, जल्द ही उसके बारे में भी आपसे बातचीत करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24x7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा